TV24 मैं हूं मनीषा सिंह चौहान। बॉलीवुड के परिवारों में अनबन के मामले अक्सर बाजार गर्म करते हैं। एक ऐसी ही दरार सुपरस्टार गोविंदा और उनके कॉमेडियन भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच चल रही है। काफी समय से बॉलीवुड में इन दोनों की लड़ाई सुर्खियां बटोर रही है। ये दोनों इस मामले में मीडिया से हमेशा खुलकर बात करते हैं। बीते दिनों कृष्णा अभिषेक ने मामा गोविंदा से सबके सामने माफी मांगी। उन्होंने सोचा था कि इससे उन दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन मामा गोविंदा का इससे बिल्कुल भी दिल नहीं पिघला। उन्होंने उल्टा सबके सामने ये कह दिया कि सिर्फ एक कैमरा स्टंट है। कृष्णा अभिषेक की माफी पर भी नहीं पिघले गोविंदा। अभी भी जारी है मामा भांजे के बीच की अनबन। बॉलीवुड के परिवार में अक्सर अनबन की खबरें बाजार गर्म करती है। एक ऐसी ही फैमिली की तरह लंबे समय से बी टाउन की खबरों का हिस्सा है। ये कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार गोविंदा और उनके कॉमेडियन भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच चल रहा मनमुटाव है। काफी समय से बॉलीवुड में मामा भांजे के बीच की लड़ाई सुर्खियों में है। अक्सर दोनों इस बारे में मीडिया में बातचीत भी करते हैं। वहीं बीते ही दिनों कृष्णा ने मामा गोविंदा से अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए माफी तक मांगी थी, लेकिन भांजे की माफी से भी गोविंदा का दिल नहीं पिघला है और उन्होंने इस माफी को सब ऑन कैमरा स्टंट बता दिया है। दरअसल कुछ समय पहले ही कृष्णा होस्ट अब मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो में नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे भी किए। इसी बातचीत में कृष्णा ने अपने और मामा के झगड़े के बारे में भी बात की थी और इस दौरान वो रोने भी लगे थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा से माफी भी मांगी। कृष्णा ने रोते हुए कहा था कि मैं इंटरव्यू देता हूं तो बहुत सारी चीजों को कट कर दिया जाता है। मैं सच में गोविंदा से बहुत प्यार करता हूं और मुझे आपकी बहुत याद सताती है। आपको जीवन भर याद करता रहूंगा। मुझे केवल एक ही चीज याद आती है, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे मामा के साथ खेलें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गोविंदा को अपने भांजे की माफी बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि कृष्णा के माफी मांगने का जरा सा भी असर उनके चीची मामा पर नहीं पड़ा है। बल्कि उन्होंने तो कृष्णा की माफी को बस कैमरा के लिए स्टंट बता दिया है, क्योंकि जहां कृष्णा ने एक और मामा को सॉरी कहा तो वहीं अब इस पर गोविंदा ने भी अपना बयान दिया है। जिस तरह कृष्णा ने मनीष पॉल के पॉडकास्ट में इस बारे में बात की, ठीक इसी शो में पहुंचे गोविंदा ने कहा कि कृष्णा को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। उसने मन में ये सोच बना ली है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास है और माफी मांगता है तो अपना प्यार ऑफ कैमरा भी दिखाए। गोविंदा का कहना है कि कृष्णा का ये प्यार ऑफ कैमरा देखना पसंद करेंगे। गोविंदा ने आगे कहा कि कृष्णा उनसे पब्लिक स्टेज पर माफी मांगते हैं तो वो उसे देखकर हैरान है, क्योंकि कृष्णा उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हैं। वही गोविंदा ने ये भी कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, कड़ी मेहनत करते रहो, कोई समस्या नहीं है, रेस्ट करो, भगवान तुम्हारा भला करे। गोविंदा के इस तरह जवाब देने से एक बात तो साफ है कि अभी भी उनके मन में कृष्णा को लेकर कई गीले शिकवे हैं, जो ना तो समय के साथ भर रहे हैं और ना ही कृष्णा की माफी मांगने पर। आपको बता दें, गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक और उनके बीच झगड़े की खबरें कई सालों से सुर्खियों में हैं। कृष्णा कई बार ऐसे बयान देते रहते हैं जिनसे जाहिर होता है कि वो अपने मामा को मिस करते हैं। हालांकि दोनों के बीच के अनबन आपसी मतभेद नहीं है बल्कि एक दूसरे की बीवी की वजह से है। जहां एक तरफ कृष्णा की बीवी कश्मीरा शाह आए दिन कुछ न कुछ गोविंदा के परिवार में बोलती है, वहीं उन्हें गोविंदा की बीवी सुनीता भी खूब पलट कर जवाब देती है। ऐसे मामा भांजे के रिश्ते में दरार आई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।